वेलकम टू द ई क्लासेस ऑफ सुफा इंग्लिश हाई स्कूल दिस इज शाजिया खान सब्जेक्ट टीचर ऑफ़ एस एस टी टूडे हेल्प बी गोइंग टू टीच स्टैंड हिस्ट्री चैप्टर नंबर टेन सो लेट्स विद द न्यू लेसन एंशेंट इंडिया एंड कल्चर एंशंट इंडिया मीन्स पुरानी इंडिया और कल्चर मीन्स उसकी रीति रिवाज सभ्यता So let's start with the new point to 10.1 language and literature. There was an uninterrupted literary tradition in ancient India. This literature was produced in the Sanskrit, Ardhamagdhi, Pali, and Tamil language. It included religious literature, treatises on grammar, epics, plays, stories, etc. Now, what does this paragraph means? It is means that the literature was produced in the Sanskrit, Ardham, Magda, Pali, and Tamil languages. There was an interrupted literacy tradition in ancient India. A vast body of literature was produced in Sanskrit and regional language during this period. Some of the important work are as under. Now go to the next paragraph. Sangam literature. Sangam literature means a gathering of learned men. The literature compiled in such gathering is known as Sangam literature. It is the most ancient literature in Tamil. Silla Silapadikaram and Mani Mikhalai are two of its well known epic from. संगम लिटरेचर वी लर्न अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड नाउ इन इट इन दिस पैराग्राफ इट इज़ एक्सप्लेन दैट संगम लिटरेचर मीन्स गैदरिंग ऑफ लर्न मैन मीन्स जो सीखे हुए लोग हैं उनको जमा करना द लिटरेचर कंप्लीट इन सच गैदरिंग इज नोन एज संगम लिटरेचर और इसी की इसी को संगम लिटरेचर माना जाता है इन तमिल इन एंशिएंट लिटरेचर इन तमिल शिला पदीकर एंड मनी मेघालय आर टू ऑफ इट्स वेल नोन एपिक्स वी लर्न अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड नाउ गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ रिलीजिय रिलीजियस लिटरेचर द मोस्ट द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट इंक्लूड आगम ग्रंथ टिपिकाका एंड भगवद् गीता द जैन आगम ग्रंथज आर रिटन इन द प्रकृत लैंग्वेज ऑफ अर्धम सौरसिनी एंड महाराष्ट्री द आगम ग्रंथज़ आर अ कलेक्शन ऑफ द टीचिंग ऑफ वर्धमान महावीर लिटररी वर्क्स लाइक महापुराण्स, बायोग्राफीज स्टोरीज एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन द अप आपा ब्रह्मशा लैंग्वेज सिद्धासन दिवाकर व्रॉट समय सुता वर्क, और वर्क, वर्क इन प्रकृत ऑन ज्यूरिस प्रूडेंस विलम सूरी हैज़ टोल्ड अ स्टोरी ऑफ रामा इन द पौमचार्य अ पोएटिक वर्क इन प्रकृत हरिभा हरिभा सूरी समारा चाका एंड सूरी कुवला माला लाखा आर वेल नोन वर्क्स नाउ इन दिस पैराग्राफ इट इज़ एक्सप्लेन दैट टेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इंक्लूड आगम ग्रंथ टिपिटा एंड भगवद् गीता द आगम ग्रंथ आर अ कलेक्शन ऑफ द टीचिंग ऑफ वर्धमान महावीर बायोग्राफ महापुराण्स बायोग्राफी बायोग्राफी स्टोरीज एक्सेट्रा अवेलेबल इन अप्रह्मशा लैंग्वेज अ वर्क इन प्रकृत ऑन ज्यूरिस प्रोडस विलम सुरीज़ टोल्ड द स्टोरी ऑफ रामायण पौचार्य एंड उद्योता सुरी कुलवालम आर नोन एज वर्क्स टिपिटाका हैज थ्री पिटाका और पार्ट्स द वर्ड पिताका मींस अ बास्केट और कलेक्शन हियर इट मीन्स अ सेक्शन द टीपीटाका इज़ रिटर्न इन पाली इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट सुत्ता पिटाका इट इंक्लूड द टैक्स ऑफ गौतम बुद्धास टीचिंग ऑफ सार्मोन्स दे आर कॉल्ड सुक्ताज वनय पिटाका द वर्ड विनय हियर मीन्स रूल्स द विनय पिटाका गिव्स द रूल्स ऑफ बिहेवियर विच भिकूस एंड भिकूनीज इन द बुद्ध संघा शुड फॉलो इन दियर डे टू डे लाइव अभिधाम पिटाका इन दिस बुद्धिस्ट डॉक्टराइन हैज़ बीन एक्सप्लेन अ टेक्स टाइटल अर्थकथा आर्थकथा Which explain that Tipitakas is well known le learned women composed Gatha's narratives about their own experience. They have been compiled in the Terigartha, they are in the Pali language, the Bhagavad Gita, which is a second text of Hindus it is a part of the Maha. Bharata, the bhagavad gita tells us that each one of us should do our duty without expecting reward it also says that the path of devotion of to god is open to all now in this paragraph it is it is explained that द टिपिटाका हैज़ थ्री पिटाका और पार्ट्स पिटाका मीन्स पार्ट्स फर्स्ट पार्ट इज सुपिटाका सेकेंड इज विनय पिटाका थर्ड इज अभिधाम पिटाका ना सुत पिटाका इट मीन्स इंक्लूड द टेक्स्ट ऑफ गौतम बुद्ध नाव सेकेंड विनय पिटाका द वर्ड विनय मी हियर मीन्स रूल्स विनय मीन्स रूल्स द विनय पिटाका गिव द रूल्स ऑफ बिहेवियर नाउ अभिधम पिटाका इन दिस बुद्धिस्ट डॉक्टर हैज़ बीन एक्सप्लेन अ टेक्स टाइटल अत काथा की पिटाका इज वेल नोन लर्न उमेन कंपोस्ट गाथाज दे हैव बीन कंपील्ड इन द तेरी गैथा दे आर इन दाली लैंग्वेज द भगवद्गीता इज़ अ स्कैड Text of Hindus is a part of the Mahabharata. Gita tells us that each one of, of us should do our duty. It also says that the path of devotion of God is open. Now go to the next paragraph. Adi Shankaracharya lived the 8th century. CE. He emphasized knowledge and renunciation. Re re he brought कॉमेंट्रीज एक्सप्लेनिंग द अपनिषद ब्रह्मसूत्र एंड द भगवद्गीता ही हि एस्टब्लिश फोर मुथ इन फोर डायरेक्शन ऑफ इंडिया एट बद्रीनाथ द्वारका जगन्नाथपुरी श्रृंगेर कौतुल्य ब्रॉड द अष्टृष्ट इन विच द ही डिस्कस एट लेंथ वॉट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑन एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टीम नाव इन दिस पैराग्राफ आदि शंकराचार्य लिव ड्यूरिंग द एट सेंचुरी ही ब्रॉट कॉमेंटरीज एक्सप्लेनिंग अपनिषद एंड द भगवद्गीता ही एस्टब्लिश फोर मुथ्स इन फोर डायरेक्शन ऑफ इंडिया एट बद्रीनाथ द्वारका जगन्नाथ पुरी एंड श्रृंगेरी In which he discussed at length what constitute an excellent administrative system. Now go to the next paragraph. Exercises on grammar. Astadhai, written by the grammarian Panini, is considered to be the standard work on Sanskrit grammar. Patanjali wrote. Mahabhashya, it explains the principle given in Panini's Astadhyayi. Now, in this paragraph, Astadhyayi written by the Grammar, Grammarian Panini is considered to be standard. Patanjali wrote Mahabhashya, the principles given in Panini's Astadhyayi. Now, go to the नेक्स्ट पैराग्राफ आर्शा एंड क्लासिकल एपिक्स रामायण एंड महाभारत आर द टू आर्शा एपिक ऑफ एंशियंट इंडिया आर्शा मींस कंपोज बाय ऋषि और सेजेस द रामायण वॉज़ कंपोज बाय द ऋषि वाल्मीकि द मेन कैरेक्टर ऑफ रामायण इज़ श्री राम महाभारत हैज़ बीन कंपोज बाय द सेज व्यास इट इट्स मेन Theme is the war between the Kauravas and Pandavas. It also tells us about Lord Krishna's life. The Mahabharata provides a comprehensive picture of the various human sentiments and emotions and their consequences. Sometimes there is a such period in the history of language, literature, and arts that glory remains undiminished. इवेंट लेटर ऑन द आर्ट लिटरेचर एक्सेट्रा प्रोड्यूस इन सच अ पीरियड सेट टू बी क्लासिकल रघुवंश एंड कुमार संभवा बाय कालिदास किरातार जुन्या बाय भारवी एंड शिशुपालवाद बाय मेघा माघा आर वेल नोन कंपोजिशन ऑफ द एंशियन प्रें पीरिएड रिटन इन क्लासिकल संस्कृत Now in this paragraph, it is explained that Ramayana and Mahabharata are the two Arsha epic of ancient India. The Ramayana was composed by the Rishi Valmiki. The main character of Ramayana is Sri Ram. Its main theme is the war between the Kauravas and Pandavas. The Mahabharata provides a comprehensive picture of the various human sentiment and emotion and their consequence there is a such period in the history of language, literature and art that its glory remains. the art, literature, etc. produced in such period is said to be classical. raghu Mancha and kumar sambhava by kalidasa, kirata junya by bharavi and shishupal by megha are well-known composition of ancient period. Written in Sanskrit language. Now go to the next paragraph Theatre. India has an ancient tradition of telling a story through songs, music, dance. Uh, these arts have been discussed in great detail in the Natya Shastra by Bharat Muni. When these arts are presented with supporting डायलॉग्स दे आर नोन एज थिएटर अमंग दिस अमंग द एंशियट संस्कृत प्लेज स्वपनवासा दुत्ता बाय भाषा अभि अभि अभिनंशाकुंतल बाय कालिदास एक्सेट्रा आर फेमस नाउ इन दिस पैराग्राफ इट इज एक्सप्लेन दैट इंडिया हैज़ एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ टेलिंग स्टोरी सांग्स म्यूजिक्स एंड डांस आर्ट हैव बीन डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल इन द नाट्यशास्त्र बाय भरतमुनीत सपोर्टिंग डायलॉग्स दे आर नोन एज थिएटर अमंग द एंशिय संस्कृत प्लेज बाय भाषा अभिजान शकुंतलाय कालीदासा आर फेमस Now go to the next paragraph, Narrative Literature. In the ancient times, storytelling was used to educate people through entertainment. Gunadhyas, Brutakatha written in a language called Peshasi is well-known. Panchatantra composed by Pandit Vishnu Sharma is an excellent example of narrative literature. This text has been translated into many languages. Similarly, Bodha Jataka tales are also very uh, well known. Now, in this paragraph, it is explained that storytelling was used to educate people through entertainment. Brutta written in a language called Pashasi. Composed by Pandit Vishnu Sharma is an excellent example of narrative literature. Has been translated into many languages. the Jataka texts are also well known. Okay, student, it is enough for today. We will, I will continue in the next video. Thank you.